हेलो एवरीवन, स्वागत है सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे कि जब आपका रनिंग का कोई कंपटीशन हो या फिर आपकी भर्ती हो, आप ऐसा क्या करें कि आपका 10-15 सेकंड टाइम कम हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे आज। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर डिफेंस की तैयारी करते हो तो इस वेबसाइट पर जरूर जाना, यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री में मिलेगा और काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। दोस्तों जो वीडियो में तरीका बताऊँगा वो लोग ना जो बिगनर हैं, जो रनिंग स्टार्ट करी है, उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, उनके लिए बता रहा हूँ जो काफ़ी समय से रनिंग कर रहे हैं और जिनकी रनिंग काफ़ी अच्छी है, वो इस तरीकों को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि अपना कुछ टाइम और कम कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आपको बताता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, कुछ ऐसे नहीं बोल दिया, बस एक खुद पर ट्राई किया हुआ है और काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब सबको पता होगा कि कॉफ़ी क्या होती है। दोस्तों जब भी आपका रनिंग का कोई कंपटीशन हो या भर्ती हो, ठीक है, तो 10-15 मिनट पहले आप ये ड्रिंक जरूर पी लेना। मतलब कॉफ़ी है, कोई भी पानी की बोतल में, मतलब एक तरह से देखा जाए तो आधा कप या आधा गिलास इतना ही आपको पीना है। ठीक है, पानी में थोड़ा कॉफ़ी डाल दो और ड्रिंक कर लो, इससे आपका काफ़ी फ़ायदा होगा। आप खुद ट्राई करके देख लेना। ठीक है, आप जैसे कि जो बहुत से लोग जो उनकी रनिंग काफ़ी अच्छी है और जब आप सोच रहे हो कि यार चलो आज टाइम निकालते हैं, तो ये ड्रिंक करके देखना, पी के देखना आपको फ़ायदा मिलता है नहीं मिलता। एक ये हो गया। दूसरा रेड बुल, जो कि मतलब काफ़ी बढ़िया है, ये ड्रिंक है दोस्तों, ये कोई डोपिंग वगैरह नहीं है। ठीक है, एक लीगल ड्रिंक होती है, आपने काफ़ी बार TV पर एडवर्टाइजमेंट भी देखा होगा इसका। ठीक है, रेड बुल है, इसको भी पी के काफ़ी अच्छा फील होता है और काफ़ी कम टाइम कर सकते हो आप। दोस्तों होता है इस ड्रिंक से ये है कि जब आप पी लेते हो तो 10-15 मिनट बाद अलग से बॉडी में एकदम गर्मी सी आने लगती है। ठीक है, और खुद मतलब जोश आने लगता है, मोटिवेशन आने लगता है कि यार कुछ करूं, मतलब अंदर से ऐसा मोटिवेशन आता है। तो जब आप रनिंग वगैरह करते हो तो मतलब दिख जाता है यार, काफ़ी बंदा अच्छा परफॉर्म करता है, थकान नहीं होता, काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, मैं बताना चाहूँगा कि रनिंग करने के बाद, मतलब जो आपकी एक्सरसाइज रनिंग करने के बाद काफ़ी फिर थकान महसूस होती है, तो उसका ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मैंने खुद इसको यूज किया है इसलिए बता रहा हूँ, झूठ कभी बताता नहीं हूँ, और जो खुद ट्राई किया हुआ है वो बताता हूँ। तो ये रेड बुल से ये ज़रूर होता है कि आप जितनी आपकी एनर्जी है ना वो रनिंग में आप लगा दोगे, पूरी एनर्जी जितनी है बॉडी की पूरी लगा दोगे, फिर उसके बाद जब आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी ना, फिर काफ़ी थकान महसूस होती, बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती। तो ये है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कुछ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में जो मेरा आए वो रनिंग से रिलेटेड आए, तो दोस्तों उस पर कुछ टिप्स दूंगा या फिर कुछ वर्कआउट बताऊंगा दोस्तों। ठीक है, मैं भाई अपने कोई भी भाई को ये नहीं बताऊंगा कि आप ये मेडिसिन लें, वो मेडिसिन लें, ये इंजेक्शन लें, इससे आपका रनिंग बढ़ेगा, ये मैं कभी किसको गाइड नहीं करूँगा। मेरा ये मानना है कि आप मेहनत करो, मेहनत करके ही सबसे बढ़िया तरीका है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।